इधर देख सकते हैं मेरा पति देव अभी आ रहे हैं। कहाँ गए थे? हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी शाम का टाइम है, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 5:40 हुआ है, 5:40। तो आगे भी कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे भी कंटिन्यू रहिए, दिखाते हैं ब्लॉग पर। इधर देख सकते हैं, ये है आम का अचार। धूप में निकलाए थे तो अभी बाहर ही है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इधर देख सकते हैं कितना सारा पपैया पक गया है, तो कोई भी नहीं खा रहे हैं। देखिए और इधर भी एक है, किसी किसी को खाना है तो कमेंट में बताइएगा, आप भेज दूंगी। और आज का वेदर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पर कुछ खास नहीं। और इधर देख सकते हैं, ये है अप्रैल फूल। ये बहुत बड़ा सा पेड़ है, नीचे तो नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर सब रेड रेड फ्लावर सब हुआ है। देख सकते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है। और इधर हमारे दोनों बकरियां देख सकते हैं कितना बड़ा हो गए हैं। दराव देखिए, खाने के लिए जा रहे हैं। वो उधर गया एक, अरे ये आ जा रहे हो। ये उधर देख सकते हैं, वो है मेरा मुर्गियाँ चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पीछे तरफ देख सकते हैं मैं अभी हूँ किचन में, तो देख सकते हैं। और पीछे तरफ चूल्हा पर चढ़ा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, तो पानी लगभग गर्म हो चुका है, चावल चढ़ाना है। तो आगे भी कंटिन्यू रहिए, और सब काम झाड़ू वाड़ू पानी वानी सब काम तो ख़त्म कर लिए हैं, तो चावल चढ़ा लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। फ्रेंड्स इधर देख सकते हैं कितना सारा मेरा मुर्गा मुर्गियाँ हैं, हमारे घर से लाई थी। तो वो है बड़ा वाला, उनका माँ, और ये मुर्गा एक ठू, और कहाँ गए रे, और भी हैं बट वो अभी कहाँ गए हैं पता नहीं। और उन बकरियाँ को देखिए, बड़े बकरी के साथ लड़ रहे हैं उनकी बड़ी माँ के साथ। ये एक मुर्गा मेरा है, ये दोनों को देखिए कैसे खेल रहे हैं। देखिए कैसे लड़ रहा है ये बड़ा वाला मुर्गा मेरा है, और इधर व्हाइट वाला, इधर मुर्गी, ये सब मेरा ही है। देखिए देखिए वो कैसे लड़ रहे हैं, चलो थोड़ा दिखाते। इधर दोनों भाई बहन को देखिए क्या हो रहा है, अरे इसके साथ लड़ेंगे, इसको छुप गए उधर पेड़ के पीछे। ये देखिए कैसे लड़ेंगे, फ्रिज देखिए आज कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, आज सफाई किए। क्या क्या सब्जी है देखिए, तो आज हम बनाने वाले हैं ये
भिंडी का आमलेट बनाएंगे आज। भिंडी, बैंगन, चुंदा, टमाटर है, इधर देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लीन भी है। देखिए आज फ्रिज साफ किए हैं, वीडियो नहीं बनाए हैं। इधर देख सकते हैं मेरा पति देव अभी आ रहे हैं, कहाँ गए थे? अगर शादी है तो मैं गया था वो साउंड सिस्टम लगाने के लिए, तो खाना वाना भी नहीं किया, अभी आया हूँ घर। देख सकते हैं मैं कैसा झुरमुरा गया हूँ, अभी नहाने के लिए जाऊँगा। और मेरे मोबाइल से भी वीडियो ये हो रहा है, देख सकते हैं एक्सपोर्ट। क्या वीडियो बनाएंगे? आम वाला। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ सरप्राइज दिखाने वाली हूँ, क्या है तो आगे भी कंटिन्यू रहिए। चलिए चलते हैं किचन की तरफ, वहाँ पर है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इतना सारा मैंगो पका हुआ वाला। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, इतना सारा मैंगो गमला भर के। देख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी तरफ मैंगो पका है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और किसी किसी को अगर खाना है तो आ सकते हैं और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपकी तरफ आम पका है कि नहीं। एग्जैक्टली कल का ब्लॉग को मैं एंड नहीं की थी तो आज फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, बाहर बच्चे लोग सरहुल का फल उठा रहे हैं, तो आगे भी कंटिन्यू रहिए, आज भी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, इधर देख सकते हैं अल्पिन क्या इकट्ठे कर रहे हो, हैं? इधर भी गिरा है, ये है सरहुल का फल। सरहुल का फ्लावर भी होता है, ये सरहुल का फल है, इसे अल्बिन इकट्ठे कर रहे हैं। कितना इकट्ठे किए हैं, इधर आओ। इसका बीज को निकालते हैं और बेचते हैं, शायद इसमें तेल भी बनता है। लो इतना सारा, सारा उठाए हैं सरहुल का फल ना अल्बिन। इधर थोड़ा देखो, इसे बेचोगे बिग बॉकी? और फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छा फ्लावर्स दिखाऊंगी और उसका नाम बताइएगा, मुझे तो पता नहीं है। और अच्छा व्यू देखिए, चलिए दिखाते हैं फ्लावर्स, कौन सा फ्लावर से बताइएगा। बहुत सुंदर दिख रहा है, ये कौन सा फ्लावर से कमेंट में बताइएगा, थोड़ा बैक कमरा में दिखाते। सो फ्रेंड्स, इधर देख सकते हैं पका हुआ आम, तो अभी हम खाने वाले हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर येलो येलो। तो आगे भी कंटिन्यू रहिए मेरे साथ प्लग पर मैंगो खाने के लिए। तो चलिए इसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। और इधर काट चुके हैं आधा मैंगो पकल वाला, तो काट कर खाने में मजा ही कुछ और है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स, इधर काट चुके हैं मैंगो, तो अभी हम खाने वाले हैं।
टेस्टी है कि देखिए आगे भी कंटिन्यू रही। वाह बहुत टेस्टी है मैंगो, कुछ उसमें दिए नहीं है नमक वमक, वैसे ही काट कर खा रहे हैं। सो टेस्टी। इधर देखिए कैसे लाजवाब दिख रहा है पूरा। सो फ्रेंड्स मैंगो बहुत टेस्टी था और आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।